साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एनर बूस्टर पाउडर के बारे में, जो कि 1 kg का है। और इस पाउडर को आपको गाय, भैंस, भेड़, बकरियों को सभी को दे सकते हैं। इसके जान लेते हैं फ़ायदे के बारे में। सबसे पहले चलते हैं हम इसकी MRP की तरफ। तो गाइस, मैन्युफैक्चर इसको किया है 2023 में अप्रैल में, और इसकी जो मैक्सिमम प्राइस है 296 है। ये होलसेल प्राइस का आपको 250 के अराउंड मिल जाएगा। तो आप एनर बूस्ट को खरीद सकते हैं और बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट है। अब जान लेते हैं कि गाय, भैंस, भेड़, बकरियों में किन किन कंडीशनों में आप इस पाउडर को दे सकते हैं। देखिए, पाउडर जो मिनरल मिक्सचर होते हैं, ये हमें आज की डेट में एक नीड हो गई है पशुओं को खिलाने के लिए, क्योंकि पशु एनिमल जो हैं वो इंस्टॉल फीडिंग पर पड़ रहे हैं। इसलिए हमें ये पाउडर मिनरल मिक्सचर देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि साथियों आजकल नई नई बीमारियों की वजह से जानवरों में मिनरल्स की कमी हो रही है, और मिनरल्स की कमी की वजह से जानवर का जो फैट है वो भी कम हो रहा है, साथ ही साथ कमज़ोर होते जा रहे हैं और दूध भी नहीं दे पाते हैं। और सबसे ज़्यादा गाय भैंसों में ये इशू रहता है कि ब्याने के बाद वो दूध नहीं दे पाते हैं, दूध नहीं बनता है, और कभी कभी बिल्कुल भी दूध नहीं देते हैं। तो अगर हम प्रॉपर समय से दूध बढ़ाने के लिए या पशु की हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा डीपली लेके चलेंगे, तो आपका पशु जब भी आएगा, चाहे वो गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, तो ब्याने के बाद सही दूध देगा, सही दूध उत्पादन क्षमता होगी, और पशु का फैट भी नहीं घटेगा। क्योंकि ब्याने के बाद बहुत सा पशु ऐसा होता है कि दूध दे रहा है, बराबर अच्छा दूध दे रहा है, लेकिन उसका फैट बर्न हो गया है, फैट घट गया है। तो इसके लिए हमें मिनरल मिक्सचर खिलाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मिनरल मिक्सचर की जो कॉस्ट होती है, 260 से 250 kg के पशु को 50 ग्राम पर डे लगता है। वहीं पर मैं गोट की बात करूं, तो गोट को आपने 10 ग्राम आपने पर डे देना है। और इसको खिलाने के बाद जो फ़ायदे होने वाले हैं वो भी हम जानने वाले हैं। देखिए, अगर आपका गाय, भैंस या बकरी हीट में नहीं आ रहा है, तो मिनरल मिक्सचर अगर आप रेगुलरली खिलाते हैं तो सही समय पर तो आपकी गाय, भैंस हीट में आएंगी। जो काल्फ हैं या एडल्ट हैं या बकरे या बकरियां हैं, उनका वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो वहां पर भी काम करता है। जो पशु गाय, भैंस ब्याने के बाद दूध नहीं दे रही हैं या दूध कम देती हैं, तो वहां पर भी अच्छा काम करता है। या आपका पशु गर्भित हो गया है, उसमें एनर्जी डिलीवरी के टाइम में एनर्जी निकल जाती है पशु में, तो अगर सही समय पर प्रेगनेंसी में भी आप मिनरल मिक्सचर खिलाएंगे, तो पशु ब्याने के बाद उसमें भरपूर एनर्जी रहेगी। जब बॉडी में एनर्जी रहेगी तो पशु का मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं, जनरली होता है कि जो पशुओं का दूध डेयरी पे गिरते हैं, वहाँ पर सैंपल के तौर पे फैट की मात्रा अगर अच्छी होती है तो वहाँ पर अच्छा रेट जाता है। तो दूध में फैट भी बढ़ाना पशु के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैट होगा तो अच्छा खासा घी निकलेगा, और आपको मुनाफा होगा, और पशु के दूध में भी इजाफा होगा। तो दूध में फैट बढ़ाने के लिए भी मिनरल मिक्सचर बहुत ही ज़्यादा शानदार रिजल्ट है। जो भाई चाहते हैं कि हमें अपने भैंस के दूध में फैट बढ़ाना चाहता है, तो 100% एनर बूस्टर खिलाएं और दूध में फैट भी बढ़ा सकते हैं। ये 3 से 4 तरह की बीमारियों में काम करता है। देखिए, पशु अगर डिलीवरी के बाद वीकनेस है, वो कमज़ोर हो गया है, तो एनर बूस्टर आप शुरू से लेके चलें। दूसरा है, ये वज़न बढ़ाने के लिए भी काम करेगा। तीसरा ये है कि अगर पशु फीमेल है, अगर हीट में नहीं आ रहा है, तो अगर रेगुलरली आप खिलाएंगे तो उसमें हीट में भी प्रॉपर टाइम पे आएगा और ग्याबिन भी 100% रहेगा। चौथा ये है कि पशु का दूध नहीं बनता है, ब्याने के बाद दूध नहीं देता है, पिछले ब्यांत की अपेक्षा कम दूध देता है। तो अगर इसको आप खिलाते हैं तो जो पहले दूध दिया था, कोशिश ये रहेगी कि 100% ये दूध देगा। और मार्केट में बहुत सारे मिनरल मिक्सचर अवेलेबल्स हैं, और मैं ज़्यादातर ट्राई ये करता हूँ, जिनका अच्छा रिजल्ट होता है उनको प्रिस्क्राइब करता हूँ, और आप सभी के सामने वीडियो अपलोड करता हूँ। तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो खरीद सकते हैं, लेकिन मिनरल मिक्सचर इज़ द बेस्ट पॉलिसी ऑफ एनिमल्स। ये हमें सभी को खिलाना चाहिए, अपने अगर फार्म है, डेयरी फार्म है, या गोट लॉट है, या गोट फार्म है, ये काफ़ी अच्छा महत्व होता है पशुओं के लिए। मुश्किल इसकी कॉस्ट है 250 के अराउंड, और समथिंग मिनरल मिक्सचर एग्रीमिन फोर्ट है, बेस्टमिन गोल्ड है, टोटाविट गोल्ड है, इस तरह के मार्केट में काफ़ी अवेलेबल्स हैं,
उनको भी आप ले सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तब आप कोई भी खरीद सकते हैं। मिनरल मिक्सचर सब एक से आते हैं, लेकिन अलग अलग सबके फ़ायदे होते हैं और कहाँ क्या काम करता है सबके अलग अलग होते हैं। जनरली काम सभी एक ही करते हैं, किन्हीं थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी का थोड़ा कम होता है, लेकिन अच्छा रिजल्ट होना चाहिए पाउडर में। ऐसे कि नहीं आप पाउडर खिला रहे हैं और रिजल्ट उसका कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर मेडिसिन काम नहीं करती है। तो इसी का आप बेसिकली ध्यान रखें। और सभी अगर कोई भी गोट फार्म है या डेयरी फार्म है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों को, ताकि अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। धन्यवाद।